सर आप 2 दिन से तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भला मान लिया, अब आपके आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या मांग रहेगी, आप इस सड़क को लेकर क्या डिसीजन ले रहे हैं वाले? जिस ढंग से ये जितना भी कार्यकलाप हुआ है, घटिया रोड का निर्माण, ठेकेदार द्वारा गांव को असामाजिक तत्व की संज्ञा देना, इसको लेकर के गांव में भयंकर रोष है। हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया गया और रोड को सही ढंग से नहीं बनवाया गया तो हम लोकतांत्रिक तरीके से आमरण अनशन तक जाएंगे। आमरण अनशन तक जाएंगे, आप शांति प्रिय ढंग से विरोध प्रदर्शन करेंगे लेकिन जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम हमारे टैक्स के एक एक पैसे का हिसाब लेंगे और पब्लिक के लिए हम हमेशा संघर्ष करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। लोकतंत्र का देख कि जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन, लेकिन आपके साथ ये खिलवाड़ हो रही है, इसका मतलब लोकतंत्र के लिए भी कोई कामयाब हो सकती है? भ्रष्टाचार ने निश्चित रूप से लोकतंत्र को खराब किया, इसमें कोई संशय नहीं, और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाएंगे। आप 2 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई विभागीय अधिकारी भी आपसे वार्ता करने आए होंगे, उनसे भी कोई वार्ता हुई होगी? अभी तक कोई यहाँ अधिकारी नहीं पहुंचा है, उल्टे एक्शन साहब ने जो वायरल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने इस गांव को उन्होंने ऐसा कहा है कि रोलिंग करने के बाद ऐसा उन्होंने तोड़ा, गलत ढंग से गांव को दबाने की कोशिश की है, वो येन केन प्राकेन कुछ कर्मचारियों पर, गांव के लोगों पर झूठा मुकदमा करके इसको दबाना चाहते हैं, ठेकेदार को फायदा। लेकिन ये वो चाह रहे होंगे कि जनता की आवाज को दबा दिया जाए और 2 दिन बाद जब बात ठंडी पड़ जाएगी तो रोड की खाना पूर्ति होगी, उनके बिलिंग हो जाएंगे। बिल्कुल उनका इरादा यही है, लेकिन हम उनकी मंसूबों पर पानी फेर के रहेंगे, हमारा हक हम लेके रहेंगे, सही रोड बनाने जब तक नहीं बनेंगे हम संघर्ष करते रहेंगे। आपकी मांग है आखिर तक कि मेरी रोड या गांव की रोड व्यवस्थित बननी चाहिए और नियम के अनुसार बननी चाहिए? जी बिल्कुल जी। और जब तक नहीं बनेंगे आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से? लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से धरना, प्रदर्शन, अनशन और आमरण अनशन तक हम जाएंगे। जब तक इसका सही निर्माण नहीं होगा और भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड नहीं करेंगे, हम आमरण अनशन तक निश्चित रूप से जाएंगे। लेकिन आपको तो पहले ही भला पुलिस के हारपत कर रहे हैं, पुलिस के मारपत आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं, फिर आमरण अनशन तक तो आपको वो भला जाने भी नहीं देंगे? इस गांव के लोग बहुत बहादुर है, आजादी आंदोलन में भाग लिया, ऐसे मुकदमों से हम नहीं डरने वाले, डावल के लोग नहीं डरेंगे। इसका मतलब आप लास्ट तक लड़ेंगे लेकिन आपका हक आप लेकर ही रहेंगे अंतिम क्षण तक। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से गांव को असामाजिक तत्व बताए, इनके खिलाफ हम मानहानि का मुकदमा तक करेंगे। लेकिन आप असामाजिक तत्व को लेकर ज्यादा ही रोष में लग रहे हैं, क्या मामला है इसका? इसका मतलब आपके गाँव को असामाजिक तत्व करना उनके लिए भारी पड़ सकता है? चोरी और सीना चोरी हमारी अस्मिता पर हाथ उठाया है, जबान उठाई है, जिस ढंग से हमको असामाजिक तत्व किया गया हमें बहुत गुस्सा है, पूरे गांव के अंदर आक्रोश है, पूरे गांव को बदनाम करने की साजिश की, इसका मतलब तो निश्चित रूप से की है। हम उनका प्रतिकार करेंगे, उनको कोर्ट में घसीटेंगे। ये सांचौर के डावल गांव में जब रोड का घटिया सामग्री से निर्माण कर दिया तो ग्रामीणों में भारी रोष है कि असामाजिक तत्व कह के उन्होंने लेकिन हम उनके मुकदमा से डरने वाले नहीं हैं, हम हमारा हक लेकर रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, हमारी रोड जो जनता के लिए काम आने वाली है उसको सही बनाने की मांग भी रखेंगे।